आपके पास भी है यस बैंक का BYOC क्रेडिट कार्ड, तो इस क्रेडिट कार्ड को अब आप सभी UPI में लिंक करके अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, वह भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। तो यस बैंक के क्रेडिट कार्ड को UPI से लिंक करने का क्या प्रोसेस है, लिंक होने के बाद क्या सच में हमारा यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगेगा पैसा विड्रॉल पर, ये दोस्तों आप पेमेंट किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में भी मैं जानकारी आपको यहाँ देने वाला हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें अन्यथा आप वह महत्वपूर्ण जानकारी देखने से खो दोगे जो आपके लिए यहाँ पर यूजफुल है। मैं देव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ YouTube के ऑफिशियल चैनल फर्स्ट वो लाइव टेस्टिंग फॉर इन्फॉर्मेशन दैट इज रियल चैनल पर। दोस्तों नए हैं पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आपको फाइनेंशियल अपडेट दी जाती है, उन सभी से संबंधित वीडियोज आपको सबसे पहले मिले उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पर जरूर कर लें। आपको यहां पर अपना पेटीएम एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने अपना पेटीएम एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड पेज देखने को मिलेगा। यहां पर आपको प्रोफाइल DP का ऑप्शन मिल जाता है, आपको करना है इस पर क्लिक। आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे आना है, यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है UPI एंड पेमेंट सेटिंग्स का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपको इस प्रकार का पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे आना है, यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है लिंक रुपये क्रेडिट कार्ड ऑन पेटीएम, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ दोस्तों आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है यस बैंक क्रेडिट कार्ड का, आपको करना है इस पर क्लिक। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसे ढूंढा जाएगा। उसके बाद आपका जो क्रेडिट कार्ड है वह आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पर आपका जो क्रेडिट कार्ड है वह UPI से लिंक हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों यदि आपका पेमेंट पिन बना हुआ नहीं है तो आप बना सकते हैं, मेरा यहाँ पर ऑलरेडी यह पिन बना हुआ है, तो मैं यहाँ पर डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ दोस्तों मैं आपको मनी विड्रॉल करके भी लाइव दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आपको करना होगा। आपको फिर से आना है पेटीएम एप्लीकेशन पर, यहाँ पर आपको स्कैन एंड QR कोड पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं अपना यहाँ पर जो मर्चेंट QR कोड है वह ले लेता हूँ। ध्यान रहे दोस्तों अदर्स किसी QR कोड पर आपका नहीं होगा, मर्चेंट QR कोड पर ही आप अपना यहाँ पर रुपये क्रेडिट कार्ड से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोस्तों आपको QR कोड दिखाई दे रहा होगा, ये स्कैन करके आप ₹1 या ₹2 ट्रांसफ़र करके अपना यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका जो रुपये क्रेडिट कार्ड है वह एक्टिव हुआ है या पेमेंट ऑप्शन में दोस्तों मैं यहां पर अपना रुपए क्रेडिट कार्ड यस बैंक वाला यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं, आपको भी ये सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहां पर हमारा जो पेमेंट है वह सक्सेसफुली यहां पर डन हो जाता है। सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, जैसे ही यहाँ पर ट्रांजेक्शन डन होगा मैं आपको यहाँ पर उसका लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोसेस है वह कम्प्लीट हो चुका है। ऑन स्क्रीन पर आप सभी देख सकते हैं कि ₹13,000 का मैंने यहाँ पर विड्रॉल किया था और वह ₹13,000 यहाँ पर मुझे अपने मर्चेंट अकाउंट में इंस्टेंटली मिल चुका है, तुरंत मिल चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपना वीज़ा क्रेडिट कार्ड को रुपए क्रेडिट कार्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं और यस बैंक के क्रेडिट कार्ड को UPI से लिंक करके अपना अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन यहाँ से कर सकते हैं। आ जाना है अपने होम पेज पर और यहाँ पर UPI सेटिंग्स पर आपको क्लिक करना है। आप सभी देख सकते हैं कि आपने जितना भी यहाँ पर क्रेडिट कार्ड लिंक किया है UPI से वह आपको दिखाई देगा, यहाँ से आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों आप अपना क्रेडिट कार्ड को UPI से लिंक करके अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं बिना किसी शुल्क के। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। वीडियो में दी गई जानकारी दोस्तों आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी नई अपडेट्स आप सभी को मिलती रहे उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।